हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल डेली जॉब न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ में निकले हुए भर्ती के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हमारी यूट्यूब चैनल डेली जॉब न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में आने वाले इस घंटे के आइकन को दबा लें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए डायरेक्ट अपनी वीडियो पर आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वीडियो में हमें क्या क्या पता चलेगा। जैसे भर्ती जो है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ में है, पोस्ट जो है वो SI, ASI और कांस्टेबल के पदों पर है और योग्यता जो है वो 10वीं 12वीं डिप्लोमा तीनों के लिए है। बाकी इसमें एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, लार्जेस्ट एग्जाम डेट और बाकी जो डिटेल है उन सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए, अब आ जाते हैं अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर, और वेबसाइट में देखते हैं क्या क्या इसमें मेन डिटेल है। देखिए, जैसे नेम ऑफ द पोस्ट जो है वो सीआरपीएफ की SI, ASI और कांस्टेबल के पोस्ट पर भर्ती है। ठीक है, टोटल वैकेंसी 789 है, ये शॉर्ट वैकेंसी थी। अब हम नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस जो है वो अनरिजर्व EWS और OBC के लिए 200 रुपये है ग्रुप बी वाली पोस्ट के लिए। मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा ग्रुप बी की पोस्ट कौन सी है। उसके बाद जो ग्रुप सी की पोस्ट है उसकी 100 रुपये फीस है। बाकी अगर आप SC, ST और फीमेल में है तो आपकी किसी ग्रुप में कोई फीस नहीं है। पेमेंट मोड जो है वो इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट के द्वारा है केवल। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट एग्जाम अप्लाई करने की, मतलब जिस दिन से शुरू फॉर्म भरना है वो 20 जुलाई 2020 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करने के लिए, और लास्ट डेट जो है 31 अगस्त 2020 है, यानी 31 अगस्त 2020 तक आपका फॉर्म भर जाना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ रिटर्न एग्जाम जो है 20 जुलाई 2020 तक है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो पहले फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें, तो हाइट जो है मिनिमम मेल कैटेगरी की अगर है तो 170 सेंटीमीटर और फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर। और अगर आप आरक्षित वर्ग में यानी ST SC कैटेगरी में हैं तो अगर आप ST कैटेगरी में यानी आदिवासी समूह के हैं तो आप 162.5 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच हाइट होनी चाहिए, और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर। अब चेस्ट की बात करें तो सेम 80 सेंटीमीटर की चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए, महिलाओं के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ST कम्युनिटी से हैं तो आपको 76 से 81 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए और 78 से 83 आपका फुला होना चाहिए। अब आते हैं वैकेंसी डिटेल पर। तो देखिए, सबसे पहले जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है डिटेशन में, एक पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए, BSc होना चाहिए या तो होम साइंस या होम इकोनॉमिक्स से। उसके बाद सब इंस्पेक्टर के लिए 175 पोस्ट है, 12th क्लास GNM पास होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए पोस्ट है, इसमें 8 पोस्ट हैं, इंटरमीडिएट डिप्लोमा और रेडियो डायग्नोसिस से होना चाहिए। एज लिमिट इसमें 30 साल से कम होना चाहिए आपकी उम्र जो है। अब उसके बाद चौथे नंबर का देखते हैं, वो सब इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, 44 पोस्ट है, 20 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए, 12वीं क्लास पास होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपका फार्मेसी में। इसी तरह से आप नीचे देखें तो सारी डिटेल देखते जाइएगा, जितनी भी पोस्ट हैं उन सबकी सारी डिटेल दी गई है, कितनी पोस्ट किसमें है। अगर आप केवल 12th पास है तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे 12th पास के लिए भी जॉब है, जैसे कांस्टेबल की है धोबीवासर में, कांस्टेबल WC है और कांस्टेबल टेबल वो है, इनके लिए मेट्रिकुलेशन है, कोई मतलब एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कोई और कोई वो नहीं है। बाकी ऊपर में भी आपका कांस्टेबल सफाई कर्मचारी और कांस्टेबल कुक इन सब में भी भर्ती है, ये ऊपर लिखे हुए हैं, और हेड कांस्टेबल है। तो ये सारी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा एक बार पूरी तरह से, और हो सके तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक मैंने दे रखा है नोटिफिकेशन में, तो इसमें लिंक से आप डायरेक्ट पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। और यानी इसमें अगर आप केवल 10वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो और बेटर, फिर आप और भी बढ़िया से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब लिंक की बात करें कि कैसे फॉर्म भरना है, तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपका अवेलेबल जो लिंक जो है वो 20 जुलाई 2020 से लिंक हो जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन जो है वो इसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए इस लिंक पे क्लिक करना होगा। ठीक है, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप सहमत हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसकी जानकारी आपको तत्काल पहुँचा सकें। ठीक है, तो वीडियो को तब तक के लिए समाप्त करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।